हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो एनडीए के लास्ट 60 डेज प्रिपरेशन प्लान को लेकर है और स्पेशली फरवरी मंथ में क्या प्रिपरेशन करें उसके ऊपर है। 19 अप्रैल को आपको एग्जाम देना है और अगर हम बात करें 19 अप्रैल की तो देखिए फैब के आपके पास 29 डेज, इस बार फैब 29 का, मार्च के 31 और अप्रैल के 19, पर इसको मैं अभी काउंट नहीं करता हूं। मैं ये काउंट करूंगा कि ये 60 डेज हैं, ये हमारे लिए इन 60 डेज में जो हम पढ़ रहे हैं और इसके पहले जो 60 डेज में हम पढ़ चुके हैं उसके रिविजन के लिए 15 दिन है। लास्ट के 4 दिन में क्या करना है वो लास्ट टाइम में बताऊंगा। यानी अभी आपने जो पिछले 60 दिन में पढ़ा है वो, और अब जो अगले 60 दिन में पढ़ने वाले हो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और इन दोनों की प्रिपरेशन ये जो कंप्लीट करोगे 120 दिन की, ये आखिरी के 15 दिन पढ़ने, इसलिए अप्रैल के लिए हम कुछ भी ना रखें। तो स्पेशली मैं बात करूंगी फरवरी में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो फरवरी में हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, आप हो सकता है कि लाइव क्लासेस से जुड़े हों या पेन ड्राइव क्लासेस से या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से किसी से भी जुड़े हैं, तो इसलिए भी ये सेशन में लेता हूं कि आपको पता रहे कि इस मंथ क्या होने वाला है। अभी भी नहीं जुड़े तो आप इमीडिएटली जुड़ सकते हैं, उसके लिए impetusgurukul.com पर विजिट करें और ऐप डाउनलोड जरूर कर लें जहां से आप बहुत सारे पेपर्स भी दे सकते हैं, इंपिटस गुरुकुल ऑनलाइन ऐप। तो मैं बात करता हूं कि फरवरी में हम क्या करने वाले हैं। तो फरवरी में 4 वीक में, फर्स्ट वीक में मैं आपके साथ फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये कंप्लीट करूंगा। टाइम कम है इसलिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज कवर करने के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड वीक में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड वीक में, और यही आप भी पढ़िएगा जिससे आपको एडवांटेज मिले, थर्ड वीक में मैं आपको पढ़ाऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन, एंड फोर्थ वीक में डेफिनेट इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा पोर्शन होगा। फिर मार्च में कोऑर्डिनेट और बचा हुआ सिलेबस, हो सकता है फेब में मैं पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी को भी कवर करूं। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको केवल मैथ्स ही नहीं पढ़नी है, जीएटी भी कवर करनी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीएस और इंग्लिश। और बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमें मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं चार होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक कैलकुलस, एक पी एंड सी और एक प्रोबेबिलिटी। अगर आपने चार चैप्टर कवर कर लिए तो यानी 50% क्वेश्चन आप पोर्शन हो गया, यानी आप 300 में से 150 मार्क्स पे श्योर है। और एक बात याद रखिए, सिलेबस 100% करना जरूरी नहीं है, जो करें वो 100% करने की कोशिश करिए, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं और आपका माइंड ही पॉजिटिव नहीं है तो फिर एग्जाम देना भी मैं बोलूंगा बेकार है। अगर 12th अपेयरिंग है तो बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, आपने पूरा सिलेबस अभी करेंगे एग्जाम के पहले, तो आपको एक शॉर्ट रिवीजन ही करना होगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादा गाइड सॉल्व करने का टाइम नहीं है और ना करना है। आपके लिए सबसे काम की अगर कोई बुक है तो वो एनसीईआरटी। आप बस एक काम करिए कि एनसीईआरटी की बुक के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करते चलें, जिससे प्रॉब्लम ना हो। टारगेट यही होना चाहिए कि मैथ्स में 200 प्लस स्कोर करें, और मैं आपको जिस ढंग से करवा रहा हूं आप इजीली 200 प्लस कर लेंगे, और जीएटी में 300 प्लस स्कोर करें। इंडिविजुअल कट ऑफ से डबल अगर जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, कोशिश यही करिएगा। और जीएटी में 300 में मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि ट्राई करिए कि फिजिक्स में आप 60 प्लस, केमिस्ट्री में 30, बायो में 30, जीएस में 100 प्लस और इंग्लिश में भी 100 प्लस अगर स्कोर कर गए तो कोई डाउट नहीं कि आप 300 प्लस ना कर पाए। तो इसलिए बिल्कुल बस एक ही चीज ध्यान रखिए कि पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिएगा, और अभी जो 60 डेज है ये 60 डेज को अपना फुल यूटिलाइज करिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, आप में से कुछ लोग कई बार मैसेज करते हैं सर लास्ट अटेम्प्ट में क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगा चाहे लास्ट अटेम्प्ट हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड लास्ट हो, जब भी कोई एग्जाम दें तो अपना 100% दे के दें, बाकी जो होगा वो उसको छोड़ दें, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई ना करें। तो ये फरवरी मंथ का प्रिपरेशन प्लान है। कोई डाउट आए तो आप मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आपके वो दूर करूंगा और समय समय पर मैं आपके ऐसे सेशन लेता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।